तो डेयर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में तो जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो उनको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता रखा कि जल्दी हमारी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चालू होंगी तो फाइनली इस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चालू हो चुकी है अब आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन तो बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में उसका उत्तर भी बताएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जो सबसे पहला प्रश्न है कि आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखे देखिए ये सब अति लघुत्र में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन और हालांकि ऐसी बात नहीं है ये लघुत्तरे द्विघुत्र में पूछे जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको डिटेल में लिखना होगा ठीक है तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिला कि आदिकाल के दो प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो और दूसरा है जयचंद प्रकाश ठीक है ये दो प्रमुख आदिकाल के ग्रंथ हैं ध्यान रखेंगे काफी अल्प प्रश्न है और अगला जो प्रश्न प्रस्तुत होने जा रहा है ये आज तक रिकॉर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ आज तक परीक्षा में कभी छूटा ही नहीं प्रश्न एक तरीके से रामबाण क्वेश्चन है हमेशा पूछा जाता है आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो सब में आता है हो चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो वो चाहे जो भी वर्ष हो 2010 से 11 ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस दो हज़ार चौबीस यहाँ तक कि दो हज़ार तेईस और चौबीस में पूछा गया था तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसको मत छोड़ के जाइएगा इसका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा ठीक है तो उत्तर लिखेंगे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी है अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि जिस युग में कबीर जासी सूर तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कपियों एवं महात्माओं की दिव्यवाड़ी उनके अंत कारणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी उसी साहित्य के इतिहास में सामान्यता भक्त युग सामान्यता भक्त युग कहते हैं निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण आ कहने का मतलब यह है कि जिस समय में जिस काल में कबीर तुलसी जायफी जैसे प्रमुख कवि रहे हो और उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत होकर देश के कोने कोने में फैली हूँ तो उस काल को हम भक्त युग तो कहेंगे ही साथ में उसको स्वर्ण युग भी कहेंगे क्योंकि वो किसी स्वर्ण युग से कम नहीं है तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तो अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भक्त काल के तीन प्रमुख कवियों के नाम लिखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम नि ध्यान सुन लीजिए हालांकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भक्त काल के तीन प्रमुख कवि के नाम लिखिए हो सकता आ जाए पांच प्रमुख कवि के नाम लिखिए ठीक है देखिए ज़्यादातर तीन आता है फिर चार आता है फिर छः आता है ठीक है छः पे ज़्यादा नहीं आता कुल मिला ठीक है और तो उत्तर लिखेंगे कि भक्त काल के प्रमुख तीन कवि हैं कबीरदास जी और जायश्रीदास जी और सूरदास जी ठीक है और यहाँ पर आप और भी कवि हैं जिनका नाम लिख सकते हैं तुलसीदास जी, जी भी लिख सकते हैं कबीर दास जी भी लिख सकते हैं ठीक है ये कुछ प्रमुख कवि हैं जो कि ये सब भक्त काल के हैं ठीक है ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त कि भक्त काल में भक्ति भावना के कौन कौन से रूप हैं तो ध्यान से सुनेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो भक्त काल में भक्त भावना के कौन कौन से रूप हैं तो भक्त काल में भावना साकार भावना तथा निर्गुण भक्त भावना के रूप अभिव्यक्त हैं तो पहला ध्यान से सुन लीजिए फिर से भक्ति काल में भावना साकार भक्ति भावना है कौन सी है साकार भक्ति भावना है और निर्गुण भक्ति भावना है ध्यान रखेंगे दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाएँ कौन सी हैं ठीक है भक्ति काल की प्रमुख काव्य शाखाओं में आप लोगों के समस्त निम्नवत हैं पहला है संत काव्य शाखा दूसरी सूफी काव्य शाखा आ या फिर आप लोग कह सकते हैं सूफी काव्य राम काव्य शाखा और कृष्ण काव्य शाखा ठीक है तो ये तीन ये चार प्रमुख भक्त काल की प्रमुख काव्य ब्रांच जिनको बोलते शाखाएँ हैं ठीक है टहनी हैं जिनको आप लोग बोल सकते हैं इन्हीं के अंतर्गत ही बहुत सारी रचनाएँ रची गई हैं ठीक है बहुत सारी रचनाएँ राम भक्ति राम भगवान को लेकर लिखी गई हैं बहुत सारी जो रचनाएँ वो कृष्ण भगवान को लेकर लिखी गई हैं सूफी काब्य को लेकर लिखी गई हैं संतों के ऊपर लिखी गई हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये सारे क्वेश्चन तो सीरीज के हैं क्वेश्चन बैंक के हैं बुक के हैं तो एक बात बताइए आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आएंगे बुक से नहीं आएंगे या फिर सीरीज से नहीं आएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपकी परीक्षा में कहाँ से आएंगे बताइए आप लोग को दिया क्या ऊपर से टपकेंगे क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन करते हैं ना कि सीरीज के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बैंक के हैं बुक uh, के है, वो एकदम बेवकूफ़ स्टूडेंट है ठीक है सीरीज में कितने क्वेश्चन हैं चार पाँच सौ क्वेश्चन हैं हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में सीरीज चलती हैं तो जिसमें से मान लीजिए कि ढाई तीन सौ क्वेश्चन है तो ढाई तीन सौ क्वेश्चन उत्तर तैयार तो करके जाएंगे आप लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे तो हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताने का कार्य कर रहे हैं ठीक है और फिर बुक से नहीं बताएंगे तो क्या वहाँ टपक के थोड़ी क्वेश्चन को ही आता तो इस बात को ध्यान रखिए फालतू की जो फाल कमेंट करते हैं ये लोग बहुत करारती हैं हालाँकि इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए ठीक है मेन क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन कि भक्त काल के तीन प्रमुख विशेषताएं है बताइए यानी कि जो भक्त काल का समय था उस काल में कुछ विशेष चीज़ें थी ठीक है जैसे कि आधुनिक काल चल रहा है या फिर प्रेजेंट करेंट वर्तमान समय में कुछ विशेष होता है यह मान लीजिए आपके घर में कुछ विशेष चीज़ें होती होंगी जैसे कि कुछ पार्टियाँ कुछ समय पूजा पाठ ठीक है या फिर कुछ चीज़ विशेष होता है उसी तरह भक्त काल के समय में कुछ प्रमुख विशेष चीज़ें थी या फिर विशेषताएं जिनको बोलते हैं उनको लिखना हालांकि यहाँ पर तीन बोला गया तो आपको तीन ही लिखना है ज़्यादातर दो या तीन आता है तो पहला लिखेंगे भक्ति का प्रधान मतलब कि भक्ति को सबसे मुख्य दर्जा दिया गया दूसरा आधार से हम सुधारवादी मनोवृत्ति मतलब कि किसी को आइडियल मानकर किसी को आदर्श मानकर आगे बढ़ना और साथ साथ में किसी चीज़ में सुधार करना ठीक है सुधारवादी मनोवृत्ति रखना कि हर चीज़ में सुधार करना गुरु की महत्ता यानी कि जो गुरु हुआ करते थे जो ठीक है जिसको आजकल टीचर बोलते हैं तो उनकी महत्व था उनका बहुत बड़ा योगदान था उनके ही दिशा निर्देश में उनके शिष्य या फिर उनके जो भी ए, मतलब कि चेला बनते थे वो लोग बहुत ही गुरु का महत्व रखते थे और गुरु को बहुत ही महत्ता देते थे ठीक है तो ये लिखेंगे तीन विशेषताएँ ठीक है ठीके? जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भक्तकाल के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखें तो ध्यान सुनेंगे कबीर जायसी सूर तुलसी ये भक्तकालीन प्रमुख चार कवि हैं तो ध्यान रखेंगे ठीक है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न प्रस्तुत है के निर्गुण भक्ति के दोनों शाखाओं के नाम लिखेंगे तो ध्यान सुन लीजिए निर्गुण भक्ति के दो प्रमुख शाखाएं हैं जिनमें से पहला है ज्ञान मार्गी सॉरी ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो, दो प्रमुख शाखाएं हैं निर्गुण भक्ति शाखा की इस बात को ध्यान रखेंगे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सगुण भक्त की कितनी शाखाएँ हैं सगुण भक्त की कितनी शाखाएँ अभी आपने निर्गुण भक्त की जाना अब शक्ति सगुण भक्त की भी जान लीजिए ठीक है जैसे क्वेश्चन आ गया निर्गुण भक्त की तो आप लिखेंगे ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्गी सगुण का आ गया तो आप तो लिखेंगे राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा ठीक है सगुण में निर्गुण भक्त शाखा आएगा और कृष्ण भक्त शाखा आएगा ये दो प्रमुख शाखाएँ ठीक है थीके? उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया जो निर्गुण भक्त शाखा है इसके दो प्रमुख कवियों के नाम लिखेंगे तो निर्गुण भक्ति शाखा के दो प्रमुख कवियों में कबीरदाव जी और जायसी जी ये दो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं ध्यान रखेंगे उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि बताइए तो कृष्ण भक्त शाखा यानी कि जो कृष्ण भगवान को आधार मानकर फिर कृष्ण भगवान के ऊपर रचनाए रचते हैं उन कवियों के नाम लिखना है तो उसमें से सूरदास जी हैं नंददास जी हैं हालाँकि और भी हैं लेकिन यहाँ दो पूछा तो इसी तरह लिख देंगे कि ये दो प्रमुख कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं ठीक है उसके बाद क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कृष्ण भक्त काव्य शाखा के चार प्रमुख वृत्तियाँ बताइए यानी कृष्ण भक्त शाखा में क्या चार विशेषताएं प्रवृत्तियां फिर विशेषताएं दोनों का मतलब एक ही है ध्यान रखेंगे ठीक है प्रवृत्तियाएँ या फिर विशेषताएँ दोनों एक है ठीक है ध्यान रखेंगे तो कृष्ण भक्त शाखा या फिर कृष्ण भक्त काव्य शाखा जो है इसमें क्या विशेष था कुछ अलग था क्या यूनिक था वो चार विशेषताएं बताना तो तबğ....... पहला है कि कृष्ण भक्त शाखा के इष्ट देव जो हों श्री कृष्ण जी थे दूसरी बात यह है कि श्रृंगार के संयोग में एवं विवाह वियोग का मार्मिक वर्णन है मतलब कि जो रचनाएं हैं भक्त काव्य शाखा की इसमें श्रृंगार और वियोग एवं संयोग का मार्मिक ढंग से ये इन रचनाओं में इन चीज संयोग और वियोग और श्रृंगार चीज़ों का वर्णन किया गया है इनकी ज़्यादा महत्ता रखी गई है इनको ध्यान में रखते हुए रचनाएँ रखी गई हैं दूसरा हो गया तीसरा हो गया दाम्पत्य एवं सखा भाव की भक्ति है सखा का मतलब आप लोग समझते हैं कि दोस्त यार फ्रेंड और दाम्पत्य का मतलब आप लोग जानते हैं ना दाम्पत्य मतलब की वर वधु ऐसा आप लोग सुने होगा दाम्पत्य जीवन ठीक है मतलब कि प्रेम का जीवन ठीक है शाखा भाव की भक्ति ये है और तीसरा चौथा है कि कृष्ण के बाल जीवन की सजीव झांकी यानी कि कृष्ण जी के बचपन के समय की कुछ झांकियां प्रस्तुत की गई हैं इस कृष्ण भक्त शाखा में और उनका वर्णन भी किया गया तो ये कुछ प्रमुख वित्तीय विशेषताएँ ध्यान रखेंगे उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि राम भक्ति काव्य शाखा की दो विशेषताएँ बताइए तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताओं में पहला है कि लोक मंगल की कामना महान आदर्शों की कल्पना ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं राम भक्ति शाखा की धारणा के लिए अब क्वेश्चन है कि राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि का क्या, क्या नाम है तो राम भक्त शाखा के अगर प्रमुख कवि के देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा हालांकि राम भक्त शाखा के बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने तो राम भगवान को आधार मानकर बहुत सारी रचनाएं रची हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसा आए कि राम भारत राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है तो वहाँ पर आप लिखेंगे गोस्वामी तुल्फीदास इस बात को नोट कर लीजिए ठीक है उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भक्त कालीन काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई है तो जो भक्त काल की कविताएँ हैं या फिर रचनाएँ हैं उनकी जो रचना है या फिर वो किस भाषा में लिखी गई हैं तो ध्यान से सुन लीजिए भक्त काल की जो रचनाएँ हैं काव्य हैं ठीक है, है। उनकी जो भाषा है रचना रचनाएँ जो लिखी गई उनकी भाषा है फदोक्कड़ी जिसको पंचमेल की खिचड़ी बोलते हैं ब्रज भाषा एवं अवधि भाषाओं में हुई हैं भक्तकालीन काव्य की रचनाएँ नोट कर लीजिए एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि राम भक्त शाखा के दो प्रमुख कवि बताइए अभी आपने कृष्ण भक्त शाखा के कभी जाना था और राम भक्त शाखा के कवि को नाम जानिए मतलब कि राम भक्त को आधार मानकर ये फिर राम भक्ति राम भगवान को आधार मानकर या फिर राम भगवान के ऊपर जो रचनाएं रची गई हैं ठीक है जो रचनाएं रची गई हैं उन रचनाओं को रचने वाले जो कवि हैं उनका नाम लिखना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं भूपत जी हैं इन्होंने राम भगवान को आधार मानकर ये फिर राम भगवान के ऊपर रचनाएं रची हैं इसलिए दो प्रमुख कवि हैं अगला प्रश्न है कि कृष्णाशाई शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम तो लिखिए और साथ साथ में उनकी जो रचनाएँ यानी कि उनकी जो कृतियाँ हैं उनका नाम भी लिखना है ठीक है मतलब कि कृष्ण आ, कृष्णा सही शाखा के कवियों के तो नाम लिखना है लेकिन उन्होंने जो रचनाएं रची हैं एक एक रचना का भी नाम लिखना है तो जैसे कि कृष्णा साई शाखा के शाखा के कवि हैं सूरदास जी और सूरदास जी ने जो रचना रची है उसका नाम है सूरसागर और दूसरे जो कवि हैं नंददास जी इन्होंने लिखी है गीत जो कृति लिखी है रचना लिखी है वो है भंवर गीत तो इस प्रकार लिखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राम काव्य धारा की रचना किन भाषाओं में हुई है तो राम काव्य धारा की जो रचना है जिस भाषा में हुई है वो भाषा है अवधि एवं ब्रज भाषा में जो राम काव्य धारा की रचनाएं हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है या राम काव्य धारा की जो रचनाएं हैं कृतियां हैं उसमें अवधि और ब्रज भाषा का यूज हुआ है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला है कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि के नाम लिखिए और उन्होंने जो रचनाएँ रची हैं उनका नाम भी लिखना है नहीं नहीं नहीं, नहीं ये क्वेश्चन नहीं राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि के नाम लिखना है ठीक है तो बहुत सारे कवि हैं जिसमें से सूरदास रसखान मीरा परमानंद ठीक है छीत स्वामी नरोत्तम दास बहुत सारे कवि हैं ठीक है तो ध्यान रखना है मिक्स मत करिएगा कि कृष्ण वाले कृष्ण भक्त शाखा के कवि में राम भक्त शाखा के कवि लिख दें और राम भक्त शाखा के कवि जो कृष्ण भक्त शाखा में लिख दें ये कन्फ्यूजन नहीं होना है क्लियर कट कर लेना है इस बात को ध्यान रखेंगे अब अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी शाखा की तीन विशेषताएं बताइए हालांकि क्वेश्चन नहीं आता बहुत कम आता है आने को उम्मीद है लेकिन जान लीजिए उत्तर पहली है कि ईश्वर की निराकार रूप से उपासना और दूसरी है गुरु को भगवान के समक्ष समकक्ष ठहराना और तीसरा है अडम्बरों का विरोध ये तीन ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएँ हैं ठीक है और ये मतलब कि आता है कि कितनी शाखाएँ होती लेकिन इसके अंतर्गत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ठीक है जैसे कि भक्त काल की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा विशेषताएं बताइए तो जिसमें लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक का चित्रण किया गया है सब कवि सूफी संत हैं सब कवि जो हैं सूफी संत हैं और भाफा का जो यूज हुआ है इस काव्यधारा में वो अवधि है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे और प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए तो प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाओं में पदमावत है चित्रावती है मृगावती ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए ठीक है उसके बाद क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कभी में कबीर दास जी हैं रू, रूदयदाफ जी हैं और दास जी हैं नानदेव हैं दादू दयाल हैं हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर चार ही आता तो चार ही आ तैयार करें ज़्यादा मत तैयार करें ठीक है उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त प्रस्तुत है कि हिंदी साहित्य में रीत परम्परा का प्रचलन किस कवि ने किया है तो वहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि आचार्य केशव दास ने हिंदी साहित्य में रीत परम्परा का प्रचलन किया है इसलिए सही जवाब केशवदास होगा ठीक है अगला कि रीत काल के पांच प्रमुख कवि लिखी देखिए यहाँ पर अब समय बदल गया अभी तक भक्त काल कृष्ण भक्त शाखा राम भक्त शाखा के बारे में क्वेश्चन थे लेकिन अब रीत काल से संबंधित क्वेश्चन आ गए तो रीत काल के प्रमुख कवि में केशवदाव जी हैं भूफड़ जी हैं चिंतामढ़ी जी हैं देव जी हैं बिहारी लाल जी तो ये प्रमुख कवि जो हैं वो काल के ध्यान रखेंगे और अगला प्रश्न से मैं कह रहा है कि रीत काल के दो रीत ग्रंथकारों के नाम लिखेंगे तो जिसमें से केशव जाव जी हैं और चिंतामणि ये दो हैं कवि हैं जो कि काल के प्रमुख रीत ग्रंथाकार मतलब मतलब इन्होंने काल आ, की जो रचनाएं हैं ठीक है वो लिखी हैं साथ साथ में इन्होंने ग्रंथ की भी रचना की है ठीक है जिसमें से दो प्रमुख कवि हैं केशव जादेव चिंतामढ़ी जी उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है इसी में ध्यान से सुन लीजिएगा काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है क्वेश्चन ये है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवि का क्या नाम है अगर क्वेश्चन आ जाए कि रीतकाल के, के प्रतिनिधि कवि क्या है कौन है तो वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या फिर आप लोग उत्तर देंगे बिहारी लाल जी ठीक है बिहारी जी रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं अगला क्वेश्चन है कि रीतमुक्त धारा के दो कवियों के नाम लिखेंगे जिसमें से घनानंद जी हैं ठाकुर जी हैं ये मुक्त धारा के कवि हैं अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल की दो रचनाएँ ठीक है और तो जिसमें से कई सारी रचनाएं हैं लेकिन प्रमुख आप लोग इसी तरह लिखेंगे कि रामचंद्रिका और बिहारी सतसई ये दो प्रमुख रचनाएं हैं रीतकाल की अगर दो पूछता है तो अगर क्वेश्चन आता है कि रीतकाल के प्रमुख कवि के नाम लिखें चार लिखिए छः लिखिए तो यहाँ पर बहुत सारे कवियों के नाम है केशव दास जी हैं बिहारी हैं लाल जी हैं देव जी हैं चिंतामणि जी हैं पदमाकर जी हैं घनानंद जी हैं बोधा जी हैं ठाकुर जी हैं सेनापति भूषण जी हैं बिखारी दास जी हैं तो इसी तरह आप लोग पाम पीछे तैयार कर लेंगे बस आपको प्रश्न आएगा तो लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे तो आज इस वीडियो में हमने आप लोगों के समझ थर्टी यानी कि तीस क्वेश्चन और उसके उत्तर बताएँ ठीक है क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएं और इसी तरह आप हमारी फ्रीज चलाएंगी उसमें क्वेश्चन भी होगा और उत्तर होगा और आपको पी भी मिलेंगी तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं पूरी तैयारी कराई जाएगी ठीक है और ये जो प्रश्न हैं ये आपके अतलघुत में भी आ सक आएंगे और हो सकता है कि लघु लघुत्तरी दीर्घ उत्तर में भी पूछे जाएँ ठीक है अतः लघु अथलघुत्तरे में कम शब्दों में लिखना होता है अगर यही क्वेश्चन लघु लघुत्तरे दीर्घ उत्तर में आया तो वहाँ पर आपको ज़्यादा शब्दों में लिखना होगा बस ये बात है ठीक है तो बस आज की इस स्वीडियो बस इतना ही और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जय हिंद डेली क्लासेस चालू हैं तो ज्वाइन जरूर करिए ठीक है बेहतरीन तरीके से तैयारी होगी आपकी टॉप कराएंगे इस बार जय हिंद